हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। मेरा नाम है संध्या और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्मॉस पब्लिकेशन का महेश कुमार वर्णवाल की एनसीईआरटी सार संग्रह, जो वन लाइनर फॉर्म में आती है। यह बुक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वीडियो में हम इस बुक के सेक्शन सी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पर आप यह बुक भी देख सकते हैं और महेश कुमार वर्णवाल एक आईपीएस ऑफिसर है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी सेक्शन सी को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं और इस सेक्शन सी में यहाँ पर इतने टॉपिक दिए गए हैं, तो इन सभी टॉपिक को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो आंसर होगा जीव समुदाय और वातावरण के। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन से हैं? तो यह हैं जैविक संघटक, अजैविक या भौतिक संघटक तथा ऊर्जा संघटक। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया गया था अर्नी नेस के द्वारा। घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं? तो यह है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो यह है पारिस्थितिक कर्मता। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह दिया गया था रेमंड लिंडेमैन के द्वारा। 10% नियम किससे संबंधित है? तो यह ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के पहुंचने से संबंधित है। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे समझा दे रही हूँ। इसका मतलब होता है कि अगर कोई एक प्राणी जितना जो भी चीजें एक प्राणी के अंदर जितनी ऊर्जा होती है, अगर उस प्राणी को कोई अन्य जीव खाता है, तो उस प्राणी का सिर्फ 10% दूसरे प्राणी में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है धारणीय या स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो यह प्रस्तुत की गई थी ब्रटलैंड कमीशन ने के द्वारा। कब की गई थी? 1987 में। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो यह है महासागर। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक डीकम्पोजर कहलाते हैं? तो यह है कवक और जीवाणु। ध्यान देना है इसमें विषाणु नहीं आता है। नेक्स्ट है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो यह सीधा होता है। जीव भार का पिरामिड बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा विपरीत दिशा में बनता है? तो ये जलीय परितंत्र में विपरीत दिशा में बनता है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? तो यह है फाइटोप्लैंकटन, प्लैंकटन्स। परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किस क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो यह करते हैं परितंत्र का। पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो यह स्रोत माना जाता है सौर्य विकिरण को, सोलर रेडिएशन। नेक्स्ट है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारत में रामसर आदिभूमियां कितनी है? तो यह है 49। प्रत्येक राज्य के एक एक करके प्रत्येक राज्य का हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला राज्य यहाँ पर है, इस तरफ राज्य दिया गया है और यहाँ पर आदिभूमि है। तो जम्मू कश्मीर में कितनी आदिभूमियां है? तो यह है वुलर झील, होकेरा, होकेरा आदिभूमि और सुरिनसर मानेसर, मानेसर। तो नेक्स्ट यहाँ पर लद्दाख है, तो यहाँ की है तेसो मोरिरी झील, तेसो कार आर्द्रभूमि क्षेत्र। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल है, पोंग डैम झील है और रेणुका सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। यह कौन सी है? तो यह रेणुका है, यह हिमाचल प्रदेश की है। पंजाब में है हरिके झील, यह एक कृत्रिम आर्द्रभूमि है। कंजली झील है, रोपड़ झील, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर मियानी सामुदायिक रिजर्व, नागल वन्य जीव अभयारण्य।
केरल के हैं अष्टमुदी, खस्टम कोट्टा और वेबनाड। राजस्थान में सांभर झील, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है ओडिशा। ओडिशा में चिल्का झील और भितरकनिका मैंग्रोव है। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। असम में है दीबोर बील। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पे राज्य है इस तरफ आर्द्रभूमियाँ दी गई हैं। त्रिपुरा में एक है, यह है रुद्र सागर झील। मणिपुर में लोकटक झील, यह मॉन्ट्रेक रिकॉर्ड में भी शामिल है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आर्द्रभूमियाँ हैं, तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नदी तंत्र, ब्रज घाट से नदौरा तक, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, समाना पक्षी अभयारण्य, समसपुर पक्षी अभयारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, सर सैयद नवाज झील, सुर सरोवर, हैदरपुर बाघीरा वन्य जीव अभयारण्य। अब पश्चिम बंगाल की देख लेते हैं, तो यह है पूर्वी कोलकाता। आर्द्रभूमि सुंदरबन सबसे बड़ा है यह सुंदरबन आर्द्रभूमि में। नेक्स्ट यहाँ पे मध्य प्रदेश है भोज आर्द्रभूमि। गुजरात में है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल झील, वधा वन आर्द्रभूमि, खिजड़िया वन्य जीव अभयारण्य। महाराष्ट्र में है नंदूर मधमेश्वर और लोनार झील। बिहार में है काबर ताल आर्द्रभूमि, यह अभी हाल ही में इसमें शामिल की गई है तो इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड आसन कंजर्वेशन रिजर्व और हरियाणा में है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ए जी टांसले ने किया था। तो ये सभी पॉइंट आर्द्रभूमि से संबंधित आपको ध्यान रखने हैं। अब हम वायु एवं जैव मंडल से संबंधित देख लेते हैं। तो पहला है इसमें पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या कहलाते हैं, तो इसे बायोम कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, तो यह है जलीय बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है, तो यह है टुंड्रा बायोम। जैव मंडल बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संघटकों को सम्मिलित किया गया है, तो यह है जैविक एवं अजैविक संघटक। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो यह है खाद्य जाल, फूड वेब। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, तो यह है परपोषी। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैव भार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, की स्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। यहाँ पे की स्टोन स्पेसिस आपको ध्यान रखना है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित हैं, तो यह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित हैं। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं, तो यह मानसूनी वन बायोम के वृक्ष हैं। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प अम्लीय वाली होती है, तो यह है शंकुधारी वन। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, तो यह है अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है, तो यह है विषुवतीय वन बायोम। विश्व का सर्वाधिक विशुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है, तो यह है मानसूनी बायोम। यूकेलिप्टस वृक्ष को पारिस्थितिकी शत्रु इको इनेमी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है क्योंकि यह जमीन से बहुत ज्यादा मात्रा में पानी सोखता है। सागर तल के नितल तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है, तो इन्हें कहते हैं बेंथस। जो सागर में नीचे के तल में रहते हैं उन्हें बेंथस कहा जाता है। रेंडियर किस बायोम का जंतु है, तो यह टुंड्रा बायोम का जंतु है। भारत में वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है 1987 से। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। लानोस तथा कैंपोस खास किस बायोम में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है
उष्णकटिबंधीय घास बायोम में कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थान पर रहती है तथा सामान्य प्रवासी होती है? तो यह है अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है पतझड़ वन। अनुकूलतम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? तो यह है अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम। हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस बायोम की प्रमुख घास है? तो यह सवाना बायोम की प्रमुख घास है। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन, उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो यह संरचना सकल बायोमास एवं जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय केंद्र कहा जाता है? तो यह शीतोष्ण घास बायोम को। की स्टोन प्रजातियों का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि परितंत्र की अन्य प्रजातियां की स्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। की स्टोन प्रजातियों के विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है? तो यह करती है पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर। पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन पाए जाते हैं मानसून वन बायोम में। दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल क्या कहलाता है? तो इसे कहा जाता है इकोक्लाइन। सर्वप्रथम पारिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो यह की गई थी चार्ल्स एल्टन के द्वारा। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है? तो यह है पश्चिमी घाट। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं जैव विविधता से संबंधित सभी प्रश्न। जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतुओं की उपस्थिति। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यह किया गया था वाल्टर जी रोसिन ने। किस भौगोलिक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? तो यह है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों को। वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसे जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये है नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से अत्यंत उत्पादक होते हैं तथा जहाँ स्थानीय जातियों इंडेमिक स्पीशीज की उपलब्धता तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, जैव विविधता हॉटस्पॉट कहलाते हैं। और वर्तमान में विश्व में इसकी संख्या 36 है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह चेन्नई तमिलनाडु में 2003 में स्थापित किया गया था। भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है? तो यह है सीबक थॉर्न। भारत में अति सघन वनों हाई डेंस फॉरेस्ट का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बाघ अभयारण्यों के रख रखाव से। भारत में जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो इन्होंने भारत के द्वारा यह हस्ताक्षर किया गया था 23 जनवरी 2001। प्रिसोपिस जूरी फ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार हानि पहुंचाता है? तो यह जिस क्षेत्र भी उगता है वहां की जैव विविधता को कम करने लगता है। भारत में सिंह पूंछ वानर मोकॉक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटका में। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2002 में। किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिडरॉक्सी
ग्रोंडी फ्लोरम नामक एक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई, तो यह है डोडो पक्षी। यह उपर्युक्त पौधे के फल को खाकर उसके बीजों के अंकुरण में सहायक था। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह है कच्छ की खाड़ी। भारत में चार जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चयन किया गया है, तो ये हैं पश्चिमी घाट, इंडो वर्मा क्षेत्र, तीसरा है पूर्वी हिमालय और चौथा है सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र। नेक्स्ट है फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन वल्गुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। यह क्या है? तो यह चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है? तो यह संबंधित है IUCN से। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है? तो यह है डाई क्लोफेनिक सोडियम। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है वल्लभगढ़ हरियाणा में। वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नाम एलुरस फल्गेंस है? तो यह है रेड पौंडा। भारत में रेड पौंडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्रों में। दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है हंगुल मृग के संरक्षण के लिए। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान और यह लद्दाख में स्थित है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइड में परिवर्तित करते हैं? तो यह है नाइट्रोसोमोनोस। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है? तो यह उसे अमोनियम के रूप में ग्रहण करता है। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है? तो यह पौधों की जड़ों के द्वारा होता है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को जैव विविधता का द्वार कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित साउथ बटन द्वीप भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो टोटल 10 है। जब कोई समुदाय स्थायी परिपक्व जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? चरम समुदाय के रूप में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? तो यह वृक्ष है नारियल। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियां बहती हैं? तो यह है बाण गंगा तथा गंभीरी। वनस्पति संरक्षण है तो स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? तो यह है वनस्पति उद्यान। स्वस्थानीय का मतलब होता है कोई प्रजाति जहाँ पाई जाती है मूल रूप से वही उसी मूल स्थान पर उसका संरक्षण करना, लेकिन अगर कोई उद्यान बनाकर गार्डन बना के उसका संरक्षण किया जाता है तो उसे स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे एक्स सीटू। ग्रीन कृत्रिम हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो यह है बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति, जिसे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो टोटल 18 हैं। यहाँ पर सभी को हम एक बार भारत के वन्य राष्ट्रीय उद्यान जीव अभयारण्य व टाइगर रिजर्व को सभी को यहाँ पे देख लेते हैं, एक एक राज्य को एक एक करके देखते चले के। तो इसमें पहला है, यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं ये राज्य है, इस तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य है और कुछ राज्यों में टाइगर रिजर्व है, तो वो भी हम देखेंगे। पहला है जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है दांचीगाम सलीम अली, जिसे सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं, किश्तवाड़ या फिर है एक काजी नाग, और वन्य जीव अभयारण्य है सीत मरुस्थल, होकेसर और सुरिनसर मानसर, यहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व नहीं पाया जाता है। लद्दाख का राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस हाई और वन्य जीव अभयारण्य है चांग थांग, यह 1600 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हरियाणा में कालेसर व सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव कालेसर और नाहर है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय
हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला, फिर गंगा, पिन घाटी, सिम्बाल बारा, ये राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभयारण्य है चंद्रताल, पुंग, डेम, झील व रेणुका। उत्तराखंड का राष्ट्रीय उद्यान है जिम कार्बेट, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में बना था, और गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार, गंगा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, और यहाँ पर अभयारण्य है उत्तराखंड का केदारनाथ, और यहाँ पे केदार उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व भी है, तो यह है जिम कार्बेट राजा जी टाइगर रिजर्व, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में है केवला देव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थली, मुकुंदा हिल्स या तर्रा, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभयारण्य है माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर, राष्ट्रीय चंबल और वन विहार, और यहाँ का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल्स, रामगढ़, विषधारी। गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान है गिरवन, मरीन, कच्छ की खाड़ी, ब्लैक बक, वसंदा, और यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य है गिर, समुद्री कच्छ की खाड़ी, नल सरोवर, सरावर, नारायण सरोवर, पूर्णा, जंगली गधा, और यहाँ पर कोई टाइगर रिजर्व नहीं पाया जाता है। गुजरात संजय गांधी, बोरीवली, पेंच, जवाहरलाल नेहरू, तबोदा, गुलामल, नवेगांव, नागसीरा और चांदोली, और यहाँ का वन्य जीव अभयारण्य है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, फनसड, बोर, काल सुबई, हरिश्चंद्र गौड़, मेल घाट, नौकचीरा, करनाला पक्षी, पेनगंगा, उम रेद, पौनी, कर हांदला, और यहाँ के टाइगर रिजर्व है मेल घाट, तबोडा, अंधारी, पेच, सहाद्री, नौगांव, नगचीरा, बोर, और यह सबसे छोटा है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है गोवा, गोवा का राष्ट्रीय उद्यान है महावीर, मोल्लेम भी कहते हैं, और यहाँ का वन्य जीव अभयारण्य है महावीर जो 40 वर्ग मील में फैला है। कर्नाटक का उद्यान है नागरहोल, कुद्रेमुख, बन्नेरघट्टा, अंसी और बांदीपुर, और यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य है दांडेली, घाट प्रभा, चिचोली या फिर ताल कावेरी, और यहाँ के टाइगर रिजर्व है बांदीपुर, भद्रा, दांडेली, अंसी या फिर काली, नागर होल, बिल गिरी, रंगनाथ मंदिर। केरल का देख लेते हैं तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है अनाईमुदी, इराविकुलम, मधिकेट्टम सोला, परांबिकुलम सोला, पेरियार, साइलेंट वैली, वन्य जीव अभयारण्य है थटिक्कड़, पक्षी अभयारण्य, इदुक्की, नेयार, परांबिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, और यहाँ के टाइगर रिजर्व है पेरियार, परांबिकुलम। केवला देव साइबेरियम क्रेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल है व मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट राज्य है तेलंगाना, कांसू, ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर, हरिणा, वन स्थली, मुग्रावनी, ये राष्ट्रीय उद्यान है और वन जीव अभयारण्य है नागार्जुन सागर, प्राणहिता, किन्नेर सानी, और यहाँ का टाइगर रिजर्व है केवल व अमराबाद, तमिलनाडु का इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, गुइंडी, मुकुर्थी, मन्नार की खाड़ी या फिर सागरीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है और है यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य है कोडाइक नॉल पॉइंट, कैलीमार, पुलिकट झील, सत्य मंगलम, कलाकांड, वेदांथगल, विल्ला नाडु या फिर मुदुमलाई, कलक्कड़, मुंडन थुरई, अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्री विल्ली पुथुर, मेघमलाई, सत्य मंगलम, ये टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के, ये तमिलनाडु के हैं। अब आंध्र प्रदेश का देखते हैं तो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है राजीव गांधी, पापी कोंडा, श्री वेंकटेश्वर, यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य है कोरिंगा, कोल्लेरू, पुलिकट, नागार्जुन सागर, श्री सैलम, नागार्जुन सागर, श्री सैलम, और यह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये भी ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का देखते हैं तो इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु खासी घाट, ये राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभयारण्य है अचानक मार, सीता नदी, और यहाँ का टाइगर रिजर्व है इंद्रावती, उदंती, सीता नदी, अचानक मार, गुरु खासी दास। ओडिशा का देखते हैं तो भीतर कनिका, सिमलीबाल राष्ट्रीय उद्यान है, भीतर कनिका, चिल्का, गाहिर माथा, नंदन कानन, सत कोसिया, गायल, सिमलीबाल, ये वन्य जीव अभयारण्य है
और यहाँ के टाइगर रिजर्व है सिमलीपाल, सतपुसिया, गार्ज। नेक्स्ट राज्य है पश्चिम बंगाल, बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली, सिंगलीला, सुंदरबन, जलदापरा, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं और वन्य जीव अभयारण्य है चपरा मारी, बल्लभपुर, और यहाँ का टाइगर रिजर्व है सुंदरबन, बुक्सा। त्रिपुरा का क्लाउडेड, लेपर्ड, बाइसन, राजबाड़ी, ये राष्ट्रीय उद्यान है गोमटी, सिपाहीजाला, यह वन्य जीव अभयारण्य है। मिजोरम, मुरलिन, पवंगपुई, ब्लू माउंटेन, यहाँ का ये राष्ट्रीय उद्यान है, और दम्फा, थोरांट लॉन्ग, यह वहाँ का वन्य जीव अभयारण्य है, और दम्फा यहाँ का टाइगर रिजर्व है मिजोरम का। मणिपुर देखते हैं तो केबुल, लामजाओ, सिरोही, यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व नहीं पाए जाते। नागालैंड का इंटाकी है राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ का वन्य जीव अभयारण्य है फॉक्यू, और यह 442 हेक्टेयर में फैला है। अरुणाचल प्रदेश नामदफा माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, और वन्य जीव अभयारण्य है पंखुई, सेसा, ऑर्किड, और यहाँ का टाइगर रिजर्व है नामदफा पक्के कमलोंग। असम का देखते हैं तो डिब्रू सखोवा, काजीरंगा, मानस, ओराम, नमेरी, रायमोना, देहिंग पटकाई, यह यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभयारण्य है दीपोल, बील, पूर्वी करबी, इंगलोंग, ला खोवा, और यहाँ का टाइगर रिजर्व है मानस, नमेरी, काजीरंगा और ओराम। सिक्किम का देखते ही तो कंचनजंगा यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभयारण्य है किताम, पंगोलखा, और मेघालय का बाल फक्रम, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक रिज भी है जो गारो पहाड़ी में है, और यहाँ के जो वन्य जीव अभयारण्य है वह है नोग खैलिम, सिजू, बाघ मारा, पिचर प्लांट। झारखंड का देखते हैं तो बेतवा, यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, पोप चंगी, यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य है और पलामू टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट राज्य है बिहार, वाल्मीकि यहाँ का यह राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ के वाल्मीकि यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान है और वन्य जीव अभयारण्य है भीमबाग, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि। उत्तर प्रदेश का देखते हैं तो वन यहाँ का ये राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा, और यहाँ के जो वन्य जीव अभयारण्य है वह है बखीरा, कैमूर, महावीर, स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला, पटना, और दुधवा और पीलीभीत यहाँ के टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश के। मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पे कौन कौन से हैं, बांधवगढ़, फॉसिल, मंडला, कान्हा, माधव, इंदिरा, प्रियदर्शनी, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, डायनासोर और पूनो, और यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य है बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन खरियाड़, यह यहाँ के वन्य जीव अभयारण्य है, और यहाँ का टाइगर रिजर्व है पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय, दुबरी और पेंच। अंडमान निकोबार में टोटल 6 राष्ट्रीय उद्यान है, यह है कैंपबेल बे, गलाथिया बे, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट, रानी झांसी मरीन, सैंडल पीक, और यहाँ के अभयारण्य है टर्टल द्वीप, बैरन द्वीप, सर्वाधिक 96 वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ पर, तो यह पाए जाते हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। दिल्ली का देखते हैं तो कोई वन यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, एक वन्य जीव अभयारण्य है प्रिय इंदिरा प्रियदर्शनी अशोका घाटी में, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, तथा इंडियन राइनो विजन 2005 में प्रारंभ किया गया था, तो ये भी आपको कब कब शुरू किया गया ध्यान रखना है। अब हम देखने वाले हैं यूनेस्को सूची में शामिल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, तो यहाँ पे ये क्षेत्र दिए गए हैं, क्रम संख्या है इस तरफ, और यहाँ पर ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं, किस वर्ष यह जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं, तो पहला है नीलगिरी राज्य है, किस किस राज्य में पाया जाता है, तो यह है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, 2000 में शामिल हुआ। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है 2001, सुंदरबन पश्चिम बंगाल 2001 में शामिल हुआ, नंदा देवी उत्तराखंड में है 2004 में, नोकरेक मेघालय में है 2009 में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009 में, सिमलीपाल ओडिशा 2009 में, और उसके बाद है अमरकंटक अचानक मार, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, 2012 में शामिल हुआ। ग्रेट निकोबार यह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, 2013 में शामिल हुआ।
अगस्त्य मलाई तमिलनाडु में है, 2016 में शामिल हुआ। कंचनजंगा सिक्किम में है 2018 में, और पन्ना मध्य प्रदेश 2020 में शामिल हुआ। तो ये टोटल 12 यहाँ पर दिए गए हैं, यूनेस्को की सूची में शामिल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह है नीलगिरी, वर्ष है 1986। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह जैव सुरक्षा समझौता से संबंधित है। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो यह है आनुवंशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो ये है रोजर और पलमार। अरिवादा क्या है? तो यह कछुओं की कुछ प्रजातियों की व्यापक घोंसला प्रक्रिया है। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ओस्लो नॉर्वे में है। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो हमने देखा था मध्य प्रदेश। जैव सुरक्षा का कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो यह किया जाता है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो यह जामनगर गुजरात में स्थित है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है, वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पश्चिमी घाट के वनों में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड 1936 में स्थापित हुआ था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व है। इससे पहला नाम हेली, इसका पहले नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो यह है कजिन द्वीप, और यह सेशेल्स में स्थित है। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो यह है वेदांग थंगल, तमिलनाडु में। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 3 राज्यों में, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बारहसिंघा के लिए। भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा? तो यह है फ्रैंक स्माइथ और होल्डर्सवर्थ। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो यह है डॉल्फिन को गंगा का टाइगर कहा जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 1971 में अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम का आरंभ किया था। प्रमुख पक्षी अभयारण्य देख लेते हैं भारत के, तो घाना पक्षी विहार यह स्थित है भारतपुर राजस्थान में। रंगर थिट्टू पक्षी विहार मांड्या कर्नाटक में। वेदा थंगल पक्षी विहार कांचीपुरम तमिलनाडु। नीला पट्टू पक्षी विहार नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। सुल्तानपुर पक्षी विहार गुरुग्राम हरियाणा में। सलीम अली पक्षी विहार चेराओ मांडवी नदी के पास गोवा में स्थित है। कौंडिया पक्षी विहार चित्तूर आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील पक्षी विहार पुरी के पास उड़ीसा में है। कुमारा कौम पक्षी विहार या वेवीनाथ पक्षी विहार या कोट्टायम केरल में स्थित है। अब हम जलवायु परिवर्तन से संबंधित, क्लाइमेट चेंज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो यह है ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसें की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो ये है जोसेफ फोरियर ने। किस गैस का वैश्विक तापन विभव ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, किसी गैस का वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है? तो यह उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है? तो यह है जल वाष्प। वर्ष 2015 में पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न होनी पाए। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो यह वर्ष 2005 से प्रभावी हुआ।
वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित हुआ? तो यह है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौ विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो यह है आर्द्रभूमि, समुद्र, हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये हैं वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो यह किया गया है अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह है आइस कोर से। नेक्स्ट है हिम तत्व। आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। तो हिम तत्व यानी आइस कोर क्या होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं? तो यह है समोच्च बांध, अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया? तो यह है कानकुन सम्मेलन, मेक्सिको। वर्ष है 2010। हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य था? तो ये है विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ष है 1979 में। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती हैं? तो यह है हिमानी का पिघलना यानी बर्फ का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि आदि। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी? तो यह है इटली तथा स्विट्जरलैंड। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल अर्थ आवर मनाया जाता है। इसका समय घंटे 8:30 PM से 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2021 में 27 मार्च का पूरा विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 192 देशों के 7,000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित यह अर्थ आवर का 15वां संस्करण था। इसका विषय था पृथ्वी को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की? तो यह डेट है 8 अगस्त 2017 को। इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो यह वर्ष है 1990 में। भूटान एक कार्बनिक निगेटिव देश है। यह प्रति वर्ष वायुमंडल से 6 मिलियन टन कार्बन अवशोषित करता है। अब हम देखने वाले हैं ओजोन परत संरक्षण एवं प्रदूषण से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है? तो यह स्तर है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 20 से 35 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की थी? तो ये है ZW केंट मूर। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज किसने की? तो यह है ब्रायन गॉर्डिनर तथा जोनाथन सैंकलिन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो यह है डॉप्सन इकाई। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो यह है CFC, हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरो एथिलीन, हेलेन हेलोन। 12 2000
बारह, और यहाँ पे 12, 11 और 13, 0, 1 आदि। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं, ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? तो यह है 5 माइक्रोन से कम। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एंथ्रोपोजेनिक। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह है प्राथमिक प्रदूषक। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह है द्वितीय प्रदूषक। परोक्सी एस्टिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो यह द्वितीय प्रकार के प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं, तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो यह है सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो जैसे तालाब वगैरह में जो काई वगैरह जम जाती है, वह यूट्रोफिकेशन के कारण वहां पर होती है। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो यह धातु है लेड। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो यह है जैव विघटित प्रदूषक। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? तो यह है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। इस वेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है? तो यह है एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारक से तात्पर्य है तो यह जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कादन होता है। इसे रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रोन ब्रांड नामक नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हेलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया निष्क्रिय भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैवोपचार यानी प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में, जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है स्वस्थानीय जैवोपचार, इन सीटू बायो रेमेडिएशन। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बाह्य स्थानीय जैव उपचार। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैव उपचार करना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं फाइटो निष्कर्षण। ओजोन परत, ओजोन लेयर की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी बुसान ने की थी। चेर्नोबिल यूक्रेन के हैं। चेर्नोबिल में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो यह हुई थी 26 अप्रैल 1986 में। चेर्नोबिल यूक्रेन में स्थित है। यहाँ पर प्रदूषक दिया गया है इस प्रकार। इससे दुष्प्रभाव क्या क्या होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधित रोग होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं, धूल कण से यकृत और वृक्क को क्षति पहुंचती है और सीसा से कैंसर होता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यह है दामोदर नदी। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो यह है ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबोनीमिया। सिगरेट के धुएं में कौन से प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो यह ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है।
अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो यह है कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? पॉलीमर से निर्मित होने के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह है मिथाइल आइसोसाइनेट। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो वर्ष है 1974। कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो यह है हाइड्रोजन। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो यह है नाइट्रोजन ऑक्साइड। पॉर्थेनियम गाजर खास के परागकणों से कौन सा रोग हो जाता है? तो यह है चर्म रोग एवं दमा। लाइकेन्स किस प्रकार से प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो यह है वायु प्रदूषण के। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो यह है ऊष्मीय प्रदूषण। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? बेंजीन, टॉल्यून एवं जाइलिन मिलाया जाता है। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो रक्त कैंसर, सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? तो यह है सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों से। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व तो कौन से हैं? तो यह है आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? न्यूमोकोनियासिस। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो यह है फॉस्फेट की। किस उद्योग में संलग्न लोगों में विसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? कपड़ा उद्योग। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैक फुक नामक रोग किस कारण होता है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक रोग होता है। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? जल को भी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? रेडियो सक्रिय फोर्सेस के द्वारा। इंडोर वायु प्रदूषण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन गैस है। इससे फेफड़े का कैंसर एवं रक्त कैंसर होता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? परावैगनी विकिरण। इस तरफ यहाँ पे वायु प्रदूषक दिए गए हैं और इससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो एस्बेस्टस धूल से फेफड़े प्रभावित होते हैं, सीसा से मस्तिष्क, पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं। अब यहाँ पर दिया गया है पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन, और इस तरफ संगठन संगठन है और इस तरफ उसके उद्देश्य दिए गए हैं। तो एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी और इसके वर्तमान में सदस्य देश हैं 193 और इसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी केन्या में, UNEP। और इसका उद्देश्य है वैश्विक क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना अक्टूबर 1948 में हुई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और यह ग्लांड स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य हैं 130 होंगे, यहाँ पे 30 नहीं। और इसका उद्देश्य है यह प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट है वन्य पादप एवं जंतुओं के संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर
अंतरराष्ट्रीय अधिसमय जिसे साइट्स कहते हैं या वॉन्सिगटन कॉन्वेंशन, इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में सदस्य देश 183 है। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करे। नेक्स्ट है वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय। स्थापना इसकी वर्ष 1979 में हुई थी। मुख्यालय बॉन जर्मनी में है और इसके सदस्य देश हैं, यहाँ पे सदस्य देश कंफर्म नहीं है, 313 तो नहीं होंगे, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि 313 है या नहीं। और इसका उद्देश्य है यह अभिसमय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच ग्लोबल फोरम प्रदान करता है। विश्व वन्य जीव कोष वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इसकी स्थापना की गई थी 1961 में। सदस्य देश 100 हैं, मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और यह पर्यावरण संरक्षण शोध एवं पुनर्स्थापना के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, स्थापना इसकी 1922 में हुई थी। मुख्यालय कैम्ब्रिज UK में है, सदस्य देश हैं 121। यह पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करना है। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1974 में, मुख्यालय है वांसीगटन DC में। इसका उद्देश्य है पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ग्रीन पीस स्थापना 1971 में, मुख्यालय एम्स्टरडम नीदरलैंड में है। यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, निवरणीकरण, आनुवंशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट यहाँ पे वेटलैंड्स इंटरनेशनल स्थापना 1996 में हुई थी। मुख्यालय नीदरलैंड में है और यह आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्वावस्था में लाने के लिए कार्य करता है। यह है वेटलैंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट है रॉटरडम कॉन्वेंशन, स्थापना इसकी 1998 में हुई थी। सदस्य देश 157 है, मुख्यालय रॉटरडम नीदरलैंड में स्थित है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतरराष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन, स्थापना वर्ष 2001 में, सदस्य देश हैं 152, मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। यह अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने अथवा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। तो ये सभी संगठन आपको ध्यान रखने हैं। अब हम विविध के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। अब मार्ग तकनीक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यह वन्य जीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 को प्रस्तुत किया गया था। इको मार्क क्या है, तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रदान किया गया एक प्रमाणन चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है, तो यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल, इन्होंने भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 प्रस्तुत की थी, तथा वर्ष 2002 में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है, तो यह है सियेरा लियोन। किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है, चंडी प्रसाद भट्ट चिपको आंदोलन से यह संबंधित थे। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये नागपुर में स्थित है। पेरियार गेम अभयारण्य केरल में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल कहाँ पर स्थित है, तो यह न्यू दिल्ली में स्थित है। भारत सरकार द्वारा किस केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया, तो वर्ष है 1982। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रकाशित हुई
वर्ष है 2008। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये है चाइना। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो नारा था तो यह है चिपको आंदोलन। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो झांसी यूपी में। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो यह वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभांकर कौन सा जंतु विश्व वन्य जीव कोष का शुभांकर क्या है? तो यह है पांडा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था महासागर विकास मंत्रालय। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष है 1993। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो यह पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आंदोलन और उससे संबंधित व्यक्ति दिए गए हैं। तो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। बिश्नोई आंदोलन संत चंभो जी और अमृता देवी बिश्नोई। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील है, ब्राजील में। वर्ष है 1992। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह नई दिल्ली 2018 में आयोजित किया गया था। कृषि वैज्ञानिक M.S. स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि प्रदान की गई है। यहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन व संधियां दी गई है। तो वो हम देख लेते हैं। इस तरफ सम्मेलन है, यहाँ पे वर्ष है, और इस तरफ उसके निर्णय दिए गए हैं। तो इसमें पहला है अंतरराष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष है, कब हुआ था ये सम्मेलन? तो वर्ष है 1972। और इसमें निर्णय किया गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना का, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का, मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में किया गया प्रथम प्रयास। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक सम्मेलन होते हैं तो सम्मेलन है, और यहाँ पे वर्ष दिए गए हैं, और उसमें क्या क्या निर्णय निकल के सामने आए, इस तरफ निर्णय है, एक एक करके हम सभी को देखेंगे। दूसरा है हेलसिंकी सम्मेलन कब हुआ था? 1974 में। और इसमें निर्णय क्या निकल के आया है? सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा का। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ, समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध करने के लिए निर्णय आया। यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन कब हुआ था? तो 1979 में, और इसमें प्रजाति संरक्षण करने का निर्णय लिया गया। वेना सम्मेलन 1985 में ओजोन स्तर परत का संरक्षण करने का निर्णय लिया गया। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 दिसंबर 1987 को यह हुआ था, और 16 दिसंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कब से? 1987 से। रियो सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, कब हुआ था? 1992 में। इसमें क्या निर्णय हुआ? तो पर्यावरण विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और एजेंडा 21 स्वीकार किया गया, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई। नेक्स्ट है नैरोबी घोषणा पत्र कब हुआ था? 1997 में। अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी+5, पृथ्वी सम्मेलन के 5 साल बाद हुआ, और यह है 1997 में हुआ। इसमें क्या निर्णय निकल के सामने आया? तो ग्रीन हाउस गैसों की पहचान तथा भूमंडलीय तापन को कम करना वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती करने का निर्णय इसमें लिया गया। नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग, यह रियो के +10 वर्ष बाद आया, रियो +10 वर्ष के बाद लिखा जाता है यहाँ पे, इसलिए तो इसे रियो+10 सम्मेलन कहते हैं।
इसे पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन भी कहते हैं, जो मार्स पर 2002 में हुआ था। सतत विकास पर विशेष पहल की गई, इसमें विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमत भी हुई। मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ 2005 में। विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर वर्ष 1990 के स्तर तक लाने का इसमें निर्णय लिया गया। नुसादुआ सम्मेलन पॉली रोड में 2007 में हुआ। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 के स्तर पर लाने का प्रस्ताव किया गया। ओपन हेगन सम्मेलन पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल 2009 में हुआ। विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा वर्ष 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान किया गया। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना भी की गई। कानपुर सम्मेलन 2010 में हुआ और इसमें हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया। डरबन सम्मेलन COP17 कहते हैं इसे, 2011 में हुआ। डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की गई। दोहा सम्मेलन COP18 बोलते हैं, 2012 में हुआ। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयास करने का निर्णय किया गया इसमें। नेक्स्ट है Rio+20। रियो सम्मेलन के 20 वर्ष बाद का सम्मेलन Rio+20 या फिर पृथ्वी+20 बोलेंगे इसे, 2012 में हुआ। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया, हरित व्यवस्था पर बल दिया गया। नेक्स्ट है वार्सा सम्मेलन COP19 बोलते हैं, 2013 में हुआ। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमत की गई इसमें। नेक्स्ट है लीमा सम्मेलन COP20 बोलते हैं, 2014 में हुआ। वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धताएं स्वीकृत की गई। पेरिस सम्मेलन COP21 बोलते हैं, 2015 में हुआ। कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि इसमें लाई गई। बाब इघली सम्मेलन मोरक्को COP22 बोलते हैं, 2016 में हुआ। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए हमारा केस कार्यवाही की उद्घोषणा इसमें किया गया। नेक्स्ट है बॉन सम्मेलन जर्मनी में हुआ। COP23 कहते हैं, 2017 में हुआ। यह फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। काटोवाइस सम्मेलन पोलैंड COP24 भी है, 2018 में हुआ था। पेरिस समझौते के क्रियान्वयन पर विस्तृत नियमावली इसमें तैयार की गई। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में हुआ COP25 बोलते हैं, 2019 में हुआ। जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन इसमें किया गया। ग्लासगो सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में हुआ COP26 कहते हैं, 2021 में हुआ। यह शुद्ध कार्बन शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में प्रयास का निश्चय तथा पेरिस नियम पुस्तिका को अंतिम रूप इसमें दिया गया। तो यहाँ पे ये टोटल 25 सम्मेलन हमने यहाँ पे देख लिए। तो इस वीडियो में हमने एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत दिए गए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को डिटेल में जाना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना।